नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहा हूँ। कुछ दिनों पहले एक व्यूअर का कमेंट था कि सर मुझे मेल और फीमेल जैसे कि जो डिग्री होता है उसको आप हमें बढ़ा के दिखाएं। तो आज उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज हम देखेंगे कि मेल और फीमेल कैसे बनाते हैं और क्या आसान तरीका होगा बनाने का ताकि हमारा काम जल्दी हो पाए। तो आइए देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने अभी अभी इसको बनाया है और ये हमारा जो डाया है 60 का है और ये जो हमने आगे का जो बचा हुआ है ये हमारा 6 mm का है, यानी कि 6, 60 और इसकी जो लंबाई है वो 50 mm की है। ठीक है, यहाँ से जो इसकी लंबाई आएगी वो 50 mm है। तो ये मैंने इसके ऊपर 31 का डिग्री डाला है और 31 डिग्री ही सेम मैं आपको दिखा दूँ। इधर ये मैंने एक पीस यहाँ पर ट्रू कर रखा है, इसमें मैं आपको इसी का जो फीमेल साइज है वो मैं आपको बना के इसमें दिखाऊंगा। तो इसको शॉर्ट में अच्छे से और जल्दी कैसे बनाएं उसको मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे होता है और कितनी जल्दी और कितनी बेहतरीन तरीके से इसका फीमेल तैयार हो जाएगा और ये जो आपका मेल है उस फीमेल में जाके आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसा कि आप देखेंगे, जो मैंने पीस आपको बंधा हुआ दिखाया था, पहले मैंने इसमें एक इधर से 6 का ड्रिल लगा रखा है। ठीक है, मैंने इधर 6 का ड्रिल लगा रखा है और ऐसा ब्लैंक पीस मैंने बांध रखा है चक्के में, आप देख पाएंगे। अभी मैं आपको दिखा दूँ, देखिए चक्के में बंधा हुआ है ना। तो अब पहले हमें इधर से 6 का ड्रिल लगाना होगा ताकि वो दोनों आमने सामने जो है एक दूसरे में ड्रिल मैच कर जाए और हमारा काम जल्दी से जल्दी कैसे होगा वो भी देखते हैं। पहले ड्रिल लगाते हैं। तो अब जो मैं इसमें 6 का ड्रिल लगा रहा हूँ ताकि जो पीछे से 6 का ड्रिल था दोनों एक दूसरे में मैच हो जाए, क्योंकि आधा उधर से लगा हुआ है और आधा इधर से। ये फ़ायदा होता है लंबा ड्रिल लगाने का ताकि हमारा आउट ना रहे, जो आउटनेस रहेगा वो आपका बीच में थोड़ा बहुत सा निकल जाएगा और दोनों साइड से ड्रिल बिल्कुल सीधा रहता है। अब जो नंबर आता है आप देखेंगे, मैंने एक मोटा ड्रिल लिया, ये हमारा 14 का ड्रिल है जो हमने 50 mm की लंबाई रखा है। तो आप इसको कम से कम 45 mm लंबा या फिर 40 mm लंबा, आप जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इसको लगा लें ताकि आपका जो काम होगा ना अंदर का डिग्री का वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं इसको लगा लेता हूँ। अब जो नंबर आएगा वो, ये मैंने 30 का ड्रिल यूज किया है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ साइज, 30 का ड्रिल यूज किया है और ये हमें 60 करना है, यानी कि 30 mm हम प्लस रखेंगे ताकि काम करने में आसानी होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना ड्रिल, अब हम इसको इसके अंदर लगाते हैं और इसको ज़्यादा लंबा नहीं लगाएंगे। जैसे हमने उसको अगर 45 लगाया है तो हम इसे 20 mm तक ही लगाएंगे। तो आप ठीक से नोटिस कर पा रहे होंगे, एक आपको अंदर 6 का ड्रिल दिख रहा होगा, उसके बाद 14 का दिख रहा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 30 का ड्रिल लगाया है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आपको दिख रहा होगा। ये काफ़ी आसान हो जाएगा, जब आप डिग्री डालेंगे तो बहुत जल्दी आप डाल पाएंगे। तो अब जो आप देख रहे हैं, ये मैंने फेस कर दिया और ये ऊपर कटिंग कर दिया, ये एक्स्ट्रा था, इसके जो लेंथ का साइज होता है उससे एक्स्ट्रा था 2-4-5 mm, तो मैंने इसको कर दिया। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि हमें डिग्री डालना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे काफ़ी पतला टूल यूज़ किया है, मैं चाहूँगा आप अच्छे से देख पाएँ। यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैंने बिट यूज़ किया है, अच्छा क्वालिटी का जो बिट आता है मैंने यूज़ किया और पतला यूज़ किया है ताकि ये, क्योंकि हमारा लास्ट में जाके जो है वो बिल्कुल 6 का बचेगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा वो मैं आपको यहीं पे बना के ऑन करता हूँ मशीन और बना के मैं आपको दिखाता हूँ। आपको डिग्री जो तोड़ना है मैं आपको दिखा दूँ, आप जो डिग्री तोड़ेंगे ये देखिए, ये जो आप पूरे अच्छे तरीके से मशीन देख पा रहे हैं, ये देखिए ये डिग्री यहाँ पर 31 डिग्री करके ऐसे टूटी हुई है और ये आपका टूल है और ये आपका जो टूल पोस्ट बंधा हुआ है, टूल पोस्ट में टूल बंधी हुई है, अच्छे से आप नोट कर लें। अब इसके द्वारा हमें आपको डिग्री तोड़ना है, तो आइए इसको अच्छे से हम तोड़ के और इसका जो फीमेल साइज है वो बना के आपको दिखाते हैं। हाँ तो सही, अब आप देखिए कितना बेहतरीन से मैं इसी टूल्स के माध्यम से अच्छे से डिग्री डाल पा रहा हूँ और ये पहले हमारा जो 30 का ड्रिल था वो वाली कट रही है और ऐसे ही ये अब हमारा आगे जाके हमारा जो 14 का हमने मारा था अब उसमें कटिंग करके और इस सारे डिग्री को एक दूसरे से मैच कर दिया जाएगा ताकि ये हमारा काम जल्दी हो। इस वजह से मैंने ये आपको शॉर्टकट तरीका बताया है ताकि काम आपका जल्दी हो और बढ़िया हो। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरा दूसरा स्टेप है वो कंप्लीट हो गया और तीसरा जो आप 6 का ड्रिल देख रहे हैं वहाँ जाके ये फाइनल हो जाएगा। तो ये
कुछ जेन्युइन टॉपिक होता है काम करने का, जल्दी और आसान तरीके से काम करने का। अब आप देखेंगे कि ये हमारा जो लास्ट में छः का ड्रिल लगा हुआ वहाँ से लेके ये एक वी कोन के तरीका से बन रहा है, ठीक है। अब ये हमारा फाइनल हो चुका है, हम करते हैं मशीन को बंद और चेक करेंगे जो हमारा जो वो मेल था इस फीमेल के अंदर अच्छे से शिफ्ट होता है या नहीं। तो आप देखें ये जो मेल हमने बना रखा था इसके अंदर हम अब डाल के देखेंगे, ये जो हमने लंबाई रखा था उसी सेम लंबाई अगर ये होगा तो ये बिल्कुल यहाँ तक बराबर आके बैठ जाएगा। तो ये हम इसके अंदर ट्राई करते हैं, ये देखिए बिल्कुल एकदम उसके सॉलिड उसके वो पे जाके ये बैठ गया है, देखिए बिल्कुल सॉलिड उसके जगह पे ये बैठ गया है, आप ठीक से देख पा रहे हो। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है मेल और फीमेल बनाने का, आप ऐसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये मेल और फीमेल बनाने का तरीका आपको पता चल गया होगा और काफ़ी आसान होता है बनाने का। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।